आजमगढ़ जनपद के फूलपुर कोतवाली के सदरपुर परौली गांव के पास जनसेवा संचालक को लूटने के इरादे से पहुंचे बदमाशों ने लूट में असफल होने के बाद जनसेवा संचालक को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनने के बाद आसपास के लोगों ने जब बदमाशों को घेरने की कोशिश की तो अपने को घिरा देख बदमाश मौके से पैदल ही भागने लगे और कुछ दूर पर जाकर एक बाइक सवार को रोककर पिस्टल सटा दिया और उसकी बाइक लेकर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के साथ ही साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और बदमाशों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी शुरू कर दी है। वहीं ग्रामीणों ने घायल को स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए ले गए जहां उसका इलाज चल रहा है। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के सदरपुर बरौली गाँव के पास ऋतिक पाठक 18 वर्ष पुत्र जितेंद्र पाठक निवासी बासडी बलिया जनसेवा केंद्र चलाता है। सुबह लगभग 11 बजे के करीब ऋतिक पाठक अपनी जनसेवा केंद्र पर बैठा था। इसी दौरान 3 बदमाश मौके पर पहुंचे। 2 बदमाश तो अंदर चले गए लेकिन 1 बदमाश आसपास के लोगों पर निगाह रखा हुआ था। पहुंचे 2 बदमाशों ने पहले काउंटर में रखे रुपए को लूटने के प्रयास किए लेकिन ऋतिक पाठक और उसके पास बैठे आदमी ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाशों से भिड़ गए और उसकी पिस्टल को छीन लिया। इस दौरान छीना झपटी में बदमाशों ने जनसेवा संचालक को गोली मार दी। गोली पेट में लगी। इस दौरान गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुट गए। अपने को घिरा देख बदमाश अपनी पल्सर मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। इस दौरान बदमाशों ने फैसल पुत्र सोफियान निवासी गौड़िया अपने बहन के लड़के को लेकर घर जा रहा था। बदमाशों ने पिस्टल सटा दिया और उसकी यूनिकॉर्न बाइक छीनकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने चारों तरफ से नाकेबंदी कर दी है। वहीं जनसेवा केंद्र संचालक खतरे से बाहर बताया जा रहा है। हाँ सर, यहाँ लूट की घटना संज्ञान में है। एक मिनट, हाँ सर, यहाँ लूट की घटना। सर पहले आप उसको सही कर लीजिए। हाँ सर, यहाँ लूट की घटना संज्ञान में आई है, क्या मामला है? देखिए, सदरपुर बरौली है थाना फूलपुर क्षेत्र में और जहाँ पर हम खड़े हैं जनसेवा केंद्र है। ये कैश निकालने का भी काम करते हैं एटीएम के थ्रू और आधार कार्ड के थ्रू। पहले एक व्यक्ति आया और उसने पूछा कि यहाँ कैश निकल सकता है। जब बताया कि 25,000 कैश निकल सकता है तो वो 2 मोटरसाइकिल पे और लोग आए और इनके साथ लूटपाट करने की कोशिश की। यहाँ पर एक जो काउंटर पे बैठा हुआ लड़का बहुत भादू लड़का है, उसने उनका जो तमंचा था वो छीन लिया और छीन के फिर उन्हें थोड़ी दूर तक दौड़ाया भी। बाद में वो इससे तमंचा ले लिया और एक फायर किया जो इसके जो पेट है उस पर छूता हुआ निकला है, अंदर नहीं गई है गोली। बाकी व्यवस्था की जा रही है और काफ़ी कुछ चीज़ें बदमाश से जाते समय रास्ते में एक गाड़ी भी छीन ले गए। हाँ, वो एक गाड़ी जब यहाँ से निकले एक गाड़ी छीन के ले गए हैं। पुलिस उसका पीछा कर रही है और ये जो गाड़ी मौके पे छूटी है बदमाशों की, इसके बारे में पता किया जा रहा है। काफ़ी क्लू लग रहा है, बहुत जल्दी बदमाश गिरफ्तार।